यमुनोत्री यात्रा का शुभारंभ। यात्रा प्रारंभ करते ही मंसूरी मार्ग पर 10 किलोमीटर दूर सिद्धपीठ भगवान प्रकाशेश्वर महादेव का भव्य मंदिर है, जहां पर ओम नमः शिवाय और भोलेनाथ की जय जयकार से आसपास का वातावरण और श्रद्धालुगण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सदा शिव कल्याणकारी हैं, शिव ही सत्य और शिव ही सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का मंत्र शायद इसी भावना को प्रकट करता है। प्रसन्नता से ओतप्रोत प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करते हुए श्रद्धालु पहाड़ों की रानी मसूरी आते हैं, जो देहरादून से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6000 फुट है। इस लुभावने पर्यटन स्थल की स्थापना कैप्टन यंग ने सन 1837 में की थी। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे ऊंचा स्थल है। यहाँ गढ़वाल के हिममंडित शिखरों से नयनाभिराम दृश्य दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर खूबसूरत दून घाटी का विहंगम दृश्य आकर्षित कर देता है। यहाँ का वायुमंडल शीतल और सुगंधित है, अतः यहाँ मैदानी तपती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी कुछ समय व्यतीत करने आते हैं। यहाँ खान पान की अच्छी सुविधा और ठहरने के लिए भव्य होटल हैं। अप्रैल से सितंबर माह के मध्य यहाँ पर्यटकों का सैलाब उमड़ा रहता है और अक्टूबर से मार्च तक यहाँ हिमपात का लुत्फ उठाने पर्यटकों का आवागमन दूर दूर से होता है। चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य और अलौकिक दृश्यों का आनंद उठाते श्रद्धालु हनुमान चट्टी आते हैं। हनुमान चट्टी यमुनोत्री धाम का आखिरी बस स्टैंड है। यहाँ से यमुनोत्री तक की यात्रा 13 किलोमीटर की है। इस दूरी को श्रद्धालु पैदल, खच्चर, पालकी या फिर कंडे द्वारा तय करते हैं। दर्शन कीजिए चारों पावन धामों में से एक यमुनोत्री धाम का। जब श्रद्धालुओं को दूर से मंदिर के दर्शन होते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उनकी सारी थकान मिट जाती है। मंदिर में पहुंचते ही आप यमुना जी की कल कल बहती शीतल जलधारा और प्राकृतिक गर्म जलधारा को साथ साथ देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। इन दोनों धाराओं के मध्य विराजमान है पतित पावनी यमुना मैया। माँ यमुना भगवान सूर्य की पुत्री, भगवान यम व शनि की बहन एवं भगवान श्री कृष्ण जी की 8 पटरानियों में से एक है, जो कालिंदी के नाम से भी जानी जाती हैं। इस धाम से भारतवर्ष में मनाए जाने वाले पर्व भैया दूज का अटूट रिश्ता है। इस त्योहार को माँ यमुना व उनके दो भाइयों शनि व यम के अटूट प्रेम प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस धाम में माँ यमुना की दिव्य शिला है। शिला के समीप गर्म पानी के 3 कुंड हैं, सूर्य कुंड, द्रौपदी कुंड और गौरी कुंड। सूर्य कुंड को काफी महत्वपूर्ण कुंड माना जाता है, जिसका तापमान 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऐसा दुर्लभ कुंड भक्तजनों के साथ साथ आज के वैज्ञानिक युग की उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालु गण कुंड के गर्म पानी में कपड़े में थोड़ा सा चावल बांध कर डाल देते हैं और थोड़े ही समय में चावल पके हुए मिलते हैं, जिसे धाम का पवित्र प्रसाद माना जाता है।
गौरी कुंड में श्रद्धालु स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने पर श्रद्धालु पाप मुक्त हो जाते हैं। कुंड के पानी में गंधक की मात्रा अधिक होती है, जिससे अधिक देर स्नान करने पर हानिकारक भी हो सकता है। यमुनोत्री धाम यमुना नदी के उद्गम स्थान के समीप स्थित है। यमुना नदी अपने स्रोत कालिंदी पर्वत से अवतरित होती है। धाम से 1 किलोमीटर दूर उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर व बंदरपूंछ ग्लेशियर है, जो 4000 से 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। माँ यमुना को समर्पित इस धाम के द्वार अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोले जाते हैं तथा दीपावली के समय हिमपात के कारण बंद कर दिए जाते हैं। बाकी 6 महीने यमुना मैया की पूजा खरसाली स्थित उनके शीतकालीन मंदिर में की जाती है। दीपावली के दिन माँ यमुना को रावल पंडितों द्वारा डोली में सजाकर खरसाली ग्राम लाया जाता है। यहाँ पर मंदिर के पुजारी को रावल कहा जाता है। यात्रा के लिए अनुकूल समय है मई जून व सितंबर अक्टूबर।